जिस तरह से किसानों को दिल्ली में आने से रोका गया है, ऐसा लगता है ये कोई बाहर से आए, देश के किसान नहीं है, कोई बाहर से आए हैं। उनके साथ जो बर्ताव किया है वो टेररिस्ट आतंकवादी जैसा किया है, खास करके वो सिख है, वो पंजाब से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, इसलिए उनको विभाजनवादी, खलिस्तानवादी कहना, ये देश के किसानों का अपमान है। अगर आप पंजाब के आने वाले हर व्यक्ति को किसानों को खलिस्तानवादी कहेंगे, उसका मतलब ये है कि आप फिर एक बार पंजाब में वही दौर लाना चाहते हो, लोगों को याद दिलाना चाहते हो, आप फिर एक बार उस राह से जाओ, उस रास्ते से जाओ, ये देश के स्थिरता के लिए ठीक नहीं है।